हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस प्यारी से सुबह की नमस्ते। और मौसम देखिए, आज एकदम धूप ही धूप हो रखी है और हम लोग जा रहे हैं सेलाकाट लिए। मैं, विपिन और कमल, ये लोग अपने पापा के लिए रोटी लेकर जा रहे हैं। वहाँ काम कर रहे हैं उनके पापा लोग। मैं जा रहा हूँ इनके साथ ऐसे घूमने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए ऐसे। तो अभी पहुँच गए हम गाँव से नीचे, सेलाकाट के रास्ता यहीं से जाता है। रास्ता भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और मतलब पथरीला टाइप का है। वैसे पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया है मैंने आप लोगों से ये चीज़ें। टोल बार से 1.5-2 किलोमीटर तो यहाँ तक पहुँचता है आदमी, और उससे भी नीचे जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती 2 किलोमीटर अंदर को जाता है ये रास्ता। ये जो रास्ता आ रहा है ये दरथा गांव से आता है। जब भी मतलब ये लोग सेलाकाटली वगैरह जाते हैं, सेलाकाटली, तो इसी रास्ते आते हैं ये। और विपिन कहाँ पे पहुँच गए हम? फर्स्ट व्यू ऑफ सेलाकाटली। सेलाकाटली, यहाँ पे क्या खूबसूरत नज़ारा है सेलाकाटली का। ये देखो मेरे पीछे, देख सकते हैं आप, धूप भी चमक रही है यहाँ पे। जो 2-3 दिन पहले का ब्लॉग डाल रखा है उसमें देखा ही होगा आपने, फर्स्ट व्यू ऑफ सेलाकाटली। तो यहाँ से नीचे का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये चैम्बर बने हैं यहाँ पे, वो पानी के लिए। यहाँ से दूसरे गांव में पानी जाता है नीचे, यहाँ नदी है नीचे। ये देखो ये नदी भी है यहाँ पे, हमारे गांव के नीचे से ही गुजरती है नदी। और यहाँ पे पुल भी है सेलाकाटली का। और पानी की आवाज़ भी बहुत तेज आ रही है। तो ये है सेलाकाटली का रास्ता। पुल के बाद सीढ़ियाँ बहुत है यहाँ पे। तो ये पहुँच गए हम सेलाकाटली गांव में। यह सेलाकाटली की टंकी, यहाँ नदी में से आता है पानी और इस वाले पाइप से आता है। ये सामने इस वाले पाइप से पानी आता है और आजकल तो सूखा पड़ रखा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा था यहाँ पे, तो तब वहाँ से बंद कर रखा है इन्होंने पीछे से। गर्मियों के टाइम पे तो नहाते थे हम इसमें, पहले बचपन में भी आते थे, पहले जब गाय लेके आ जाते थे और फिर यहाँ नहाते थे, तो मज़ा आता है। ऊपर से ये ऊपर जो कच्चा रास्ता है मेन रास्ते से, यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे है ये गहराई में सेलाकाटली। कमल भी पाइप में झूल रहे हैं। यहाँ पर चाचा की ये मुर्गियाँ हैं 4, बहुत अच्छी है। कोल मुर्गी थे घर की, चौपाली, चाचा ने कहा बॉयलर मुर्गी कहते हैं इसको। चाचा लोग भी हमारे सामने, तो इनका ही पेड़ है ये अमरूद का, तो उन्होंने बोला खा लो करके, तो विपिन गया तोड़ने के लिए। तो ये आ गए हम सेलाकाटली से और यहाँ पे चाचा लोगों के अमरूद थे वहाँ, तो उन्होंने कहा अमरूद ले जाओ खाने के लिए रास्ते से, रास्ते पर, तो वही लेकर आ रखे हैं हम, मैं और विपिन। कमल विपिन चढ़ा पे ठीक में, तो अमरूद लेके आ गए हम, तो खा लेते हम लोग। ये देखो यहाँ नदी है नीचे, और यहाँ पे नदी के पास ये छोटा सा अमरूद का पेड़ भी है। इस पर छोटे छोटे अमरूद हैं अभी, तो ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। हम लोग तो क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं अमरूद लेके, तो वही खा रहे हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। एक गांव के ज़्यादा दूर नहीं है नदी, पानी ठंडा हो रखा है। यहाँ नदी के पास ना उस साइड को छोटे छोटे खेत हैं, तो वहाँ पहले खेती होती थी, जैसे धान वगैरह लगते थे, पुराने लोग करते थे उसको, सहरा बोलते हैं हम उसको, तो वो करते थे लोग। लेकिन अब तो पूरा वहाँ देखो पूरे कांटे कांटे वाले फूल हो गए हैं, बंजर पड़ रखे हैं, मतलब खेत कुछ नहीं हो उसमें, खाली हो रखे हैं। नहीं तो पहले अच्छी खासी वहाँ खेती होती थी। हम लोगों का भी है यहाँ, इतनी दूर खेती कर देते हमारे गांव के लोग। उत्तर गांव से नीचे आते थे और यहाँ खेती करते थे, और अब जब से सुअर वगैरह जंगली जानवर जाते हो गए तब से कोई नहीं करता खेती।
यहाँ पे ना पानी वगैरह पास है तो खेती करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, पानी भी पास है। फिर पहले तो लोग भी थे गांव में ज़्यादा, अब तो लोग भी इतने सारे हैं नहीं, गांव से ऊपर से इतनी दूर तक आ जाते थे। बस भाई राम राम। और बस भाई तो गांव से इतनी दूर से मतलब आते थे यहाँ खेती करने के लिए। तो ये पहुँच गए हम अपने गांव से नीचे, थकान लग गई तो बैठ रखे हैं यहाँ पे तीनों के। ये देखो मुँह के एक्सप्रेशन देखो, नहीं तो मुँह ही ढक रखा है। अभी ना यहाँ पे बैंगन के पेड़ पे सांप था, लिपटा हुआ था उस पर, हरे कलर का, हरियो बोलते हैं हम लोग उसको। वो वैसे रात को ना वो सांप ज़्यादा तेज़ देखता है, मतलब दोपहर में देखता नहीं है, वो कम देखता है, भागता नहीं है, वो एकदम चिपका रहता है वो घास पे पत्ती पे। अब हरा हरी पत्ती है और उसी पे चिपक रखा था वो हरा कलर का, दिख भी नहीं रहा था ठीक से। दिखाता हूँ मैं, छोटी सी क्लिप ले रखी मैंने उसकी, तो मम्मी ने भगा दिया था उसके बाद उसको। ये देखो बैंगन की पत्ती पे किस तरीके से चिपक रखा है। वैसे इसकी चमड़ी बहुत हल्की होती है, लेकिन पता नहीं कि बैंगन के पेड़ पे तो कांटे भी होते हैं, ये कैसे नहीं चुभ रहा है उस पर, हिल भी नहीं रहा वो, वैसे का वैसे ही चिपका पड़ा है। मम्मी डंडी से भगा रही है इसको, और इसकी पकड़ देखो कितनी तेज है। ये देखो फिर वहीं पर लड़ जा रहा है वो सांप, तो भगा दिया मम्मी ने, लेकिन अब देखते हैं कि वीडियो में आगे बन पाता है कि नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ठंडो पानी।